सैनिक भाइयों को नमस्कार और आप देख रहे हो FI बाइक टेक्निकल यूट्यूब चैनल। तो आज का ये वीडियो अपना खास इंपॉर्टेंट और नॉलेजफुल रहने वाला है, खासकर मैकेनिक भाइयों के लिए। और हम आज के इस वीडियो में ओबीडी स्कैनर V317 ओबीडी किंग का है फुल रिव्यू करने वाले हैं। और इसके अंदर हम आपको बताने वाले हैं कि हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो कि V317 के हैं, ठीक है। और जो आजकल डिमांड में काफ़ी चर्चा में है कि हर एक मैकेनिक जो V317 ओबीडी स्कैनर है इसी को परचेज क्यों करना चाहता है। इसके अंदर काफ़ी फीचर और ये ऐसे हैं जो कि इसको सबसे अलग बनाते हैं। वो कैसे कि यहाँ पे आपको एक तो ओबीडी का मिल जाता है, ठीक है, उसके बाद में डाटा स्ट्रीम का मिल जाता है, DT स्लेब का मिल जाता है, जिस पे आप जाके जिसके बाइक में आने वाले रीड कोड और उन सभी का विवरण यहाँ से चेक कर सकते हो। MI का मिल जाता है, डायरेक्ट आप बैटरी के वोल्टेज भी देख सकते हो और सेटअप टूल का मिल जाता है यहाँ पर। और अब कंपनी ने इसमें बदलाव क्या किया है कि यहाँ पे जो खुद की ब्रांडिंग है ओबीडी किंग के नाम से ये स्कैनर अब आपको मिलेगा, क्योंकि कंपनी ने अपनी खुद की ब्रांडिंग यहाँ पे करवा दी है। और यहाँ पे जो अब न्यू डिब्बे के अंदर जो प्रोडक्ट आया, तो यहाँ पे जो इसका बॉक्स होता है उसके ऊपर भी आपको यहाँ पे ओबीडी किंग लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। और इसी के साथ अपने को यहाँ पे जो इसकी मैनुअल बुक मिल जाती है, इस प्रकार से आप इसको देख कर भी बाइक के अंदर इसको कनेक्ट कर सकते हो। और यहाँ पे कुछ इसके फीचर्स दिए होते हैं तो आप इनको पढ़ सकते हो। यदि आपके समझ में नहीं आता है तो आप गूगल पे जाकर इसे ट्रांसलेट हिंदी में कर सकते हो। तो इस प्रकार का यहाँ पे मैनुअल बुक मिल जाता है, जिस प्रकार से हम आपको दिखा पा रहे हैं। तो ये काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है और मैं इस प्रोडक्ट को काफ़ी दिनों से यूज़ कर रहा हूँ। तो अब बात आ जाती है कि ये बाइक के अंदर इसको कनेक्ट तो कर लेते हैं, लेकिन इसके अंदर काफ़ी मैकेनिक भाइयों को ऐसी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है कि वो फॉल्ट कोड को सही से ढूंढ नहीं पाते और फिर बाद में जो कमेंट करते हैं कि भाई मेरे जो ओबीडी स्कैनर वो सही से काम नहीं कर रहा है या कुछ और फॉल्ट दिखा रहा है, तो ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इसके अंदर एक तो टिक का दिया होता है, ये वार्निंग का दिया होता है, और एक जो अपना स्कैनर चालू रहता है तब ये वाली लाइट इसमें बिलिंग होती है। और यहाँ पे कुछ फंक्शन है, यहाँ पे ओके का है जो ऊपर नीचे यहाँ पे जो सर्कल के निशान दिए होते हैं, और ये यहाँ से इरेज का होता है, यानी कि बैक का होता है, ठीक है, आप यहाँ से बैक कर सकते हो इसको। तो ये अपने पास है एक स्प्लेंडर 2022 का मॉडल। और इस बाइक के अंदर दिक्कत क्या रही है कि जैसे ही मैं इसका स्विच ऑन करता हूँ इस प्रकार से, तो ये मैंने इसका स्विच ऑन कर दिया और बाइक को मैं स्टार्ट करने की कोशिश करता हूँ, तो बाइक स्टार्ट हो गई है। और यहाँ पे जो चेक इंजन लाइट का सिंबल है ये ऐसा का ऐसा शो होता रहता है यहाँ पे, यानी कि जो चेक इंजन लाइट है ये ऐसी की ऐसी यहाँ पे जलती रहती है। और जो बाइक का RPM है ये भी काफ़ी हद तक बढ़ा हुआ है, यानी कि जो बाइक का RPM है ये भी बढ़ा हुआ है। तो बाइक के अंदर दिक्कत क्या हो सकती है, पहले तो मैं बाइक को इंजन ऑफ करता हूँ और फिर से ऑन करता हूँ। तो हम आपको जो ओबीडी स्कैनर है इसके स्क्रीन पर लेके आ गए हैं। यहाँ पे हम आपको सब कुछ सारा डिटेल में बताएंगे। यदि वीडियो में नए हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पे ऐसे ही ओबीडी स्कैनर और भी टूल के वीडियो आपको सबसे पहले देखने को मिलेंगे। और जो भी प्रोडक्ट होंगे वो काफ़ी बेस्ट क्वालिटी में रहने वाले हैं, आपको फुल रिप्लेसमेंट की गारंटी मिल जाती है, क्योंकि ये प्रोडक्ट हमारे पास जो भी प्रोडक्ट आते हैं वो जेन्युइन आते हैं और इनके अंदर डुप्लीकेसी का कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले अपने पास आया था इस प्रकार का ओबीडी स्कैनर V317, जिसके ऊपर यहाँ पे अपने को जो ओबीडी किंग की है वो मार्किंग देखने को नहीं मिलती थी और इस प्रकार के बॉक्स में आपको देखने को मिलता था। लेकिन अब कंपनी ने चेंज यहाँ पे किया क्या है कि जो इसका बॉक्स है यहाँ पे भी जो ओबीडी किंग की है वो मार्किंग पूरी तरीके से करवा दी है, और यहाँ पर आपको एक मैनुअल बुक मिल जाती है इस प्रकार से। तो चलिए हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि ओबीडी स्कैनर जो BS6 बाइक में है वो किस प्रकार से काम करता है। तो सबसे पहले अपन फर्स्ट नंबर पे चलते हैं यहाँ पे, तो आपको जो एरो के निशान है इनको इस प्रकार से ऊपर नीचे करना है। तो यहाँ पे हम जो फर्स्ट है ओबीडी यहाँ पे आज चलते हैं और यहाँ से ओके करते हैं, ठीक है, क्योंकि अपनी बाइक में है जो काफ़ी दिक्कत है, क्योंकि बाइक का थ्रोटल बढ़ा हुआ है, बाइक के अंदर चेक इंजन लाइट शो हो रहा है, तो ये क्या क्या फॉल्ट कोड हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से अपन इसको रीड कोड करेंगे, यानी कि रीड DTC पे चलेंगे और फिर से अपन एक बार ओके कर देंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर का जो कोड आ रहा है P0122, यानी कि थ्रोटल पेडल पोजीशन सेंसर स्विच सर्किट लो। तो ये तो रहा अपना फर्स्ट नंबर का जो कोड है बाइक के अंदर, यानी कि इश्यू के अंदर।
और इसके बाद में फिर से अपन यहाँ पे एरो पे चलते हैं। एरो पे चल के फिर से एरो का बटन दबाते हैं, तो उसके बाद में यहाँ पे P0108, ठीक है, मैनिफोल्ड एब्सोल्यूट प्रेशर ब्रोमोमेटिक प्रेशर सर्किट हाई, ठीक है, एक ये वाला कोड है। मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा कि ये कोड अपने आते कहाँ से हैं और जो भी ये कोड आ रहे हैं वो सेंसर कहाँ कहाँ पर लगे होते हैं बाइक के अंदर। उसके बाद में थर्ड नंबर पर चलते हैं अपन, तो यहाँ पे है P0198 जो कि इंजन ऑयल टेम्परेचर सेंसर हाई, इसका सर्किट हाई है, तो एक इसकी दिक्कत है। फिर से अपन सर्कल करके नीचे चलते हैं, तो यहाँ पे P0113 इंटेक एयर टेम्परेचर सेंसर वन सर्किट हाई, ठीक है, जो इसका इंटेक एयर टेम्परेचर सेंसर है उसकी यहाँ पे दिक्कत है। फोर्थ नंबर पे चलते हैं, तो P0616, ठीक है, स्टार्टर रिले सर्किट लो, जो इसका स्टार्टर रिले है यानी कि सेल्फ वाला रिले है, बाय चांस कभी अपनी बाइक की बैटरी वो थोड़ी बहुत डाउन होती है तो ये वाला कोड अपनी बाइक में शो होने लगता है। उसके बाद में चलते हैं P15A1 मैनिफोल्डर कंट्रोल, ठीक है, तो इसका यहाँ पे कोड है। और ये वाला कोड कब आता है बाइक के अंदर, जब भी बाइक के अंदर थ्रोटल बॉडी में जो भी सेंसर्स और एक्चुएटर्स लगे हुए हैं तो वहाँ पे जो कुछ भी दिक्कत होती है बाइक के अंदर तभी ये कोड यहाँ पे शो होते हैं जो कि मैनिफोल्ड कंट्रोल। तो इस कोड का अपन सीरीज के अंदर एक वीडियो लाने वाले डिटेल के अंदर, तो आपको उसके अंदर सीखने को मिलेगा। उसके बाद में P15A1, ठीक है, वही जो वो वाला कोड है वो यहाँ से फिर से यानी कि दोहराया गया है, ठीक है, तो बाइक के अंदर ये वाले कोड यहाँ पर शो हो रहे हैं। तो एक बार के लिए मैं यहाँ से फिर से वन नंबर पे आ जाता हूँ, तो P0122 थ्रोटल पेडल पोजीशन सेंसर स्विच एयर सर्किट लो, तो ये वाला कोड जो बाइक के अंदर है वो आपको थ्रोटल बॉडी में यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है, जो ये वाला सेंसर है यहाँ पे थ्रोटल पेडल का, तो इसी के अंदर थ्रोटल पेडल पोजीशन सेंसर वो इसी के अंदर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद में यहाँ पे फिर से आ जाते हैं, फिर से स्क्रॉल करते हैं, तो यहाँ पे P0108 मैनिफोल्डर एब्सोल्यूट प्रेशर ये वाला सेंसर है वो भी आपको जो यहीं पे देखने को मिलेगा, ये देख सकते हो यहाँ पे ये वाला सेंसर है जो आपको यहीं पे देखने को मिलेगा, वही सेंसर आपको मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। और उसके बाद में फिर से स्क्रॉल करते हैं, तो यहाँ पे P0198 जो कि जो इसका यहाँ पे इंजन ऑयल टेम्परेचर सेंसर लगा होता है तो इसका कोड शो हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, बाइक के अंदर इसका कोड शो हो रहा है। तो इन सभी को अपन रिमूव किस प्रकार से करेंगे, और भी बाकी कोड है जो कि मैं सीरीज के अंदर लेके आने वाला हूँ, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे इंटेक एयर टेम्परेचर सेंसर सर्किट एक लो, यहाँ पे जो इसका इंटेक एयर टेम्परेचर सेंसर है वो भी इसी के अंदर यहाँ पे इंक्लूड है, यानी कि कुल मिलाकर यहाँ पे देखा जाए तो जो बाइक की थ्रोटल बॉडी है यहाँ पे दो तीन सेंसर यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, इंटेक एयर टेम्परेचर सेंसर और जो मैंने उससे पहले आपको दिखाया कि इंजन ऑयल टेम्परेचर सेंसर, उससे पहले मैंने आपको दिखाया, और जो मैनिफोल्ड एब्सोल्यूट प्रेशर सेंसर है वो भी आपको यहीं पे देखने को मिलेगा। और उसके बाद में अपन स्क्रीन पर चलते हैं, तो यहाँ पे जो एक कोड दिखाता है अपने को P0616 स्टार्टर रिले सर्किट लो, जो इसका स्टार्टर रिले है जो बैटरी की तरफ लगा होता है जो बाइक को स्टार्ट करने में मदद करता है, ठीक है, सेल्फ लेते हैं तो उसी का सर्किट, यदि अपनी बाइक के अंदर बैटरी के वोल्टेज कम होंगे तो भी जो स्टार्टर रिले की प्रॉब्लम है वो दिखाता है। अब अपन जो नीचे स्क्रॉल करते हैं, सबसे पहले अपन इसको बैक चलते हैं अपन, ठीक है, ये अपन यहाँ पे बैक आ जाते हैं, और एक बार मैं बाइक की ऑफ करता हूँ और फिर से ऑन करने की कोशिश करता हूँ, की ऑफ कर फिर से ऑन करता हूँ, और यहाँ पे मैं आपको बैटरी वोल्टेज पे लेके चलता हूँ, ठीक है, तो आपको यहाँ पे वोल्टेज पे आना है, ओके करना है, तो आपको जो बैटरी के अंदर वोल्टेज शो रहे हैं 11.9 वोल्टेज के लगभग इस बाइक के अंदर जो बैटरी के वोल्टेज है वो शो रहे हैं, लेकिन बाइक के अंदर होने कितने चाहिए 12 से अबाव, यानी कि 12 वोल्टेज से अबाव बाइक के अंदर जो बैटरी वोल्टेज है वो शो होने चाहिए। तो आपने देखा कि इस बाइक के अंदर 11.9 वोल्टेज है, इसलिए जो इसमें स्टार्टर रिले की प्रॉब्लम है वो शो हो रही है, और जो इसके और फंक्शंस हैं वो भी काफ़ी आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको
फिर से दिखाने की कोशिश करूँ तो यहाँ पे मैं चलता हूँ OBD पे और फिर से यहाँ पे ओके करता हूँ। तो यहाँ पे फिर से मैं यहाँ पे स्क्रीन पे आ चुका हूँ और अपने को चलना है यहाँ पे क्लियर DTC पे चलना है और यहाँ पे ओके करना है। ओके करने के बाद आपको यहाँ पे इरेज ट्रिपल कोड्स आर यू श्योर, ठीक है, तो फिर से आपको ओके करना है। इसको ओके करने के बाद ये तुरंत बैक चला जाता है और उसके बाद में अपन बाइक को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं एक बार जो इसका स्विच है इसे ऑफ करता हूँ और फिर से यहाँ पे ऑन करता हूँ और बाइक का सेल्फ लेता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो जो इसका चेक इंजन लाइट का सिंबल है ये यहाँ से तुरंत रिमूव हो जाता है। फिर से मैं बाइक को यहाँ पे बंद करता हूँ और फिर से ऑन करता हूँ। यदि बाइक के अंदर कोई इन सेंसर या एक्चुएटर के अंदर कोई दिक्कत होगी तो फिर से जो अपनी चेक इंजन लाइट का सिंबल है ये शो होने लगेगा। तो फिर से मैं बाइक का सेल्फ लेता हूँ इस प्रकार से, क्योंकि बाइक के अंदर बैटरी का इश्यू है, ये देख सकते हो। तो फिर से जैसे मैं बाइक को स्टार्ट करता हूँ तो यहाँ से जो चेक इंजन लाइट का सिंबल है ये रिमूव हो जाता है और बाइक का साउंड भी सुन सकते हो, क्योंकि पहले बाइक का साउंड है जो काफ़ी हाई हो रखा था, यानी कि जो इसका आरपीएम है वो काफ़ी हाई हो रखे थे। तो हमारे को जो इसका कोड रीसेट करने के बाद जो बाइक के अंदर जो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आई है। तो अपना वीडियो बनाने का यही मोटिव था कि जो भी मैकेनिक भाई V317 OBD किंग को ख़रीदना चाहता है वो ख़रीद सकता है, और यदि आप इसे परचेज करना चाहते हो, यदि आप हमारे थ्रू इसको परचेज करते हो, यदि आप हमारे चैनल का नाम लेते हो तो आपको इस पर अलग से कुछ डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है, और आप हमें ऑर्डर भी दे सकते हो। और वीडियो का डिस्क्रिप्शन है उसके अंदर आपको जो हमारे व्हाट्सअप नंबर है और जो डायरेक्ट कंपनी के व्हाट्सअप नंबर है वो आपको अवेलेबल होंगे। तो यदि आप इन्हें ख़रीदने के इच्छुक हो और BS6 बाइक के अंदर यदि आप इन्हें यूज़ करना चाहते हो और BS6 बाइक का काम सीखना चाहते हो तो चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए और OBD किंग खरीदने के लिए भी आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए। तो आज का वीडियो बनाने का मोटिव यही था कि सभी मैकेनिक भाइयों को जो V317 OBD किंग की है वो फुल नॉलेज मिल सके।